हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज के वीडियो में मैं गाय के बारे में बोलने वाली हूँ कि आजकल लोगों ने गाय पालना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सो किसी ने मुझसे कहा था तो इसलिए भी, और साथ में मैं खुद भी बोलना चाह रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर मैं नहीं हूँ और ना कोई मैं मोटिवेशनल वीडियो है ये। बस जितना मैं बोल पाती हूँ, जितना मेरी फीलिंग्स आप लोग समझ लेना कि मैं गाय के अच्छे के बारे में, गाय के प्रोटेक्शन के बारे में, जो भी आप लोगों से बन सके, कि चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो आप घर में रखें, चाहे उसको आप कहीं, अगर वो बाहर घूम रही है तो उसके लिए आप दाना अरेंज कर दें, खाना अरेंज कर दें, जो भी आप गाय के लिए कर सकते हैं प्लीज़ कर दीजिए, और गाय को कटने से प्लीज़ बचा लीजिए। मैं तो गांव की हूँ तो बचपन से ही मैं गाय भैंसों में रही हूँ। हमारे घर में गाय भी रखते थे और भैंस भी रखते थे, और यहाँ आके हम सिर्फ गाय रखते हैं क्योंकि भैंस यहाँ पे रख नहीं सकते हैं, क्योंकि भैंस जो खाना खाती है ना वो उड़ीसा में अवेलेबल नहीं है। यहाँ हमारी गाय जो खाती है वो अवेलेबल है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग गाय ही रखते हैं, भैंस नहीं रखते हैं। भैंस मैंने किसी के भी नहीं देखी है, सिर्फ गाय रखते हैं। तो आप मेरी फीलिंग से समझ लेना, सिर्फ मैं इतनी ज़्यादा बड़ी स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स से, बहुत ही मोटे मोटे शब्दों से मैं आपको समझा पाऊँगी, शायद उतना मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप सिर्फ फीलिंग से समझ लेना प्लीज़। गाय को अगर आपसे जो भी बनता है, या तो आपको आप गाय अपने घर में रख लीजिए, इससे क्या है कि आपको प्योर दूध मिलता है, क्योंकि आजकल प्योर दूध मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। बाहर में प्योर दूध नहीं मिलता है, आपको कुछ नहीं पता रहता है। वो लोग पानी तो चलो मिलता ही है, वो तो पक्का बात है, पानी के बिना तो आपको दूध कभी मिलेगा ही नहीं। और ये जो प्योर दूध है वो आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, उनके माइंडसेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाहर का जो दूध होता है ना, या तो वो केमिकल से बना होता है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, तो लोग केमिकल डाल डाल के, ये यूरिया डाल के, सरफ डाल के, ये सब डाल के दूध बना देते हैं। तो वो या तो केमिकल का दूध होता है, आप केमिकल का दूध पीना पसंद करोगे, या फिर क्या होता है कि पैकेट का दूध आता है, पैकेट का दूध इतना अच्छा नहीं आता है, तो आपको पैकेट का दूध गाय का दूध बोल के बेच देते हैं। तो आपको नहीं पता रहता है कि ये दूध प्योर है या नहीं है। कुछ लोगों के तो दूध गर्म करते हैं तो उसमें इतनी अजीब सी स्मेल आती है। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, हम गाय रखते हैं तो हम गाय का दूध पीते हैं, तो हमें पता है कि गाय कैसा दूध देती है। जब हम गाय दूध बाहर से खरीदते हैं तो वो दूध उसमें अजीब सी स्मेल आती है। अभी हम ले रहे हैं 4 किलो दूध बाहर से भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारी गाय जन्म करने वाली है और एक जो गाय है वो बहुत कम दूध दे रही है, तो हम बाहर से हमें परचेज करना पड़ रहा है बच्चों के लिए और हमारे लिए, तो वो दूध इतना अच्छा नहीं है। और मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ गाय के प्रोटेक्शन के लिए, और हम यादव हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, और तो श्री कृष्ण भगवान होकर गाय को पालते थे, गाय को चराने के लिए लेकर जाते थे, ये सब कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगे। तो हमारे लिए यादव लोग हैं, यादव लोग तो गाय को वैसे भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अभी तो क्या है कि यादवों ने भी गाय रखना बंद कर दिया है। तो जो मुसलमान लोग हैं वो गाय को काटते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्लीज़ गाय को ना काटें। और गाय के पशुपालन के ऊपर यादव लोग प्लीज़ थोड़ा सा जोर दें गाय के पशुपालन के ऊपर, या आप गौशाला ही बना दो, हर शहर में 2-4 गौशाला बना दो, कहीं तो पालन पोषण हो गाय का, घर में ना सही तो गौशाला में ही हो, तो ये गाय के बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि गाय का जो दूध है ना वो भैंस से भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट नहीं होता है, और ये टेस्टी तो भैंस का दूध ज़्यादा होता है, गाय का दूध कम टेस्ट होता है, लेकिन ये इसका जो है फ़ायदा भैंस के दूध से ज़्यादा होता है। गाय के दूध के अंदर भैंस का दूध में फैट ज़्यादा होता है,
और प्रोटीन और ये सब कम रहता है, लेकिन गाय का दूध और जो देसी गाय होती है उसका दूध तो बहुत ही ज़्यादा फायदे का होता है। उसके दूध में ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम ये सब होता है, जो भी मतलब दूध में पाए जाते हैं वो सब गाय के दूध में ज़्यादा होता है। गाय का दूध आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। गाय का दूध बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। छोटे बच्चों को तो शुरुआत में मेनली गाय का दूध ही पिलाते हैं। तो मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, जो मेन जो वर्ड है मेरे आज के वीडियो के, जो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप गाय के लिए जो भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप गाय के लिए जो भी कर सकते हैं आप कर दीजिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर कुछ लोग कुछ करते हैं तो गाय आप पालना चाहते हैं घर में तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका बेनिफिट ही है, इसका आपको कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर आप पाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं भी कुछ भी कर पा रहे हैं तो गाय के लिए कर दीजिए। कोई रोड पे इधर उधर ना घूमती रहे, और हो सके तो ज़्यादातर लोग घर में पालना ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल तो बहुत ही कम हो गया है कि लोग बिल्कुल भी गाय नहीं पालना चाहते, गाय घर में रखना ही नहीं चाहते हैं। तो आप गाय के लिए जो भी कर सकते हैं, गौशाला में आप दान दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, और जो भी आप गाय के लिए कर सकते हैं कर दीजिए। ये मुझे किसी ने कहा था कि मैं, क्योंकि मैं तो यादव वंश से हूँ, हम लोगों को तो गाय रखना मेन कारण है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना, बीच में से उसको छोड़ना भी स्किप मत करना, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये अच्छी बात है, ये कोई वो बात नहीं है, क्योंकि आपको फायदे की बात है। और मुझे बोलने में शायद मैं इतनी बड़ी स्पीकर नहीं हूँ कि ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। उनके वीडियो आप अच्छे से देखते हो, पूरा देखते हो, तो जो मैं बोल रही हूँ वो एक फ़ायदे की बात है। आप गाय के लिए जो भी कर सकते हो प्लीज़ कर दीजिए। और जिसने मुझे ये बोला था, हो सकता है उतना अच्छा मैं ना बोल पाई हूँ, तो प्लीज़ आपने मुझे कहा था तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने बोल दिया, कि प्लीज़ गाय को ना काटें। थैंक यू वेरी मच। हिंदू लोगों से ये खास कर रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ गाय के लिए कुछ करें, और जो करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लीजिए, गूगल से ट्रांसलेटर की जो ऐप होती है उसे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं बहुत छोटा वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन बोलते बोलते हो गया थोड़ा बड़ा हो गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये गाय के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक गाय के प्रोटेक्शन के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सिर्फ गाय, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ गाय के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रही हूँ, प्लीज़ आप जो कर सकते हैं गाय के लिए कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। थैंक यू।